शनिवार को ईसाई समाज द्वारा ईसा मसीह के जन्मदिन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस मौके पर शहर के सभी चर्चों में मैरी क्रिसमस के शब्द गूंजते रहे। शनिवार को देश भर में प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईसाई समाज द्वारा गिरिजाघरों में पहुंचकर विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। इन विशेष प्रार्थना सभाओं में भाग लेकर समाज के महिला पुरुषों एवं बच्चों द्वारा प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाई गईं। इसी क्रम में मथुरा शहर के भी सभी गिरिजाघरों में प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन का पर्व धूमधाम के साथ मनाते हुए एक दूसरे को बधाइयां दी गईं और पूरे दिन सभी गिरिजाघरों में मैरी क्रिसमस के शब्द गूंजते रहे। इस अवसर पर शहर के सभी गिरिजाघरों को आकर्षक विद्युत रोशनी से विशेष तौर पर सजाया गया था, जिसके चलते सभी गिरिजाघर बिजली की झालरों से झिलमिलाते दिखाई दे रहे थे। इस संबंध में जब गिरिजाघरों से आए ईसाई समाज के लोगों से बात की गई तो उन्होंने यह बताया, मुझे हम हर बार आते हैं यहाँ पे क्रिसमस ट्री बनाने, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है आके, यहाँ पे फादर्स वगैरह को देख के, यहाँ की डेकोरेट वगैरह को देख के। देखिए, आज 25 दिसंबर पे प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में पैदा हुए और उन्होंने सब प्रेम, आपस में सामाजिक सौहार्द, इसका है एक क्या कहते हैं वातावरण क्रिएट किया। उन्होंने कभी अपने जीवन में कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी को भी हानि हो। उन्होंने हमेशा गरीबों की, मोहताजों की, बीमारों की और जितने भी लोग थे उनकी सदैव मदद करी। 25 दिसंबर हम लोग मनाते हैं परमेश्वर के जन्मदिन के लिए, जो सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी समाज के तत्वों के लिए, सबके लिए है। और मैं आपको इस पवित्र दिन पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहला परमेश्वर के जन्मदिन का सुसमाचार जो है वो किसी महलों में या कोठियों में या बादशाह, सम्राट, राजा के पास नहीं, बल्कि आम जनमानस, गड़रिये जो भेड़ बकरियाँ चलाते हैं उनके पास पहुँचा। वो खुले में भेड़ बकरी चला रहे थे और उस दौरान परमेश्वर का दूत आके उनसे कहता है कि खुश हो, खुशियाँ मनाओ कि तुम्हारे लिए एक परमेश्वर, एक राजा उत्पन्न हुआ है। और आप विश्वास करिए, परमेश्वर के पिता जो यूसुफ हैं वो बहुत बड़े आदमी नहीं थे, वो एक सामान्य जनमानस थे, एक बड़ई थे, एक कारपेंटर थे और उनकी माता गृहिणी थी। उन्होंने 30 साल तक की वर्ष तक अपने पिताजी का हाथ बटाया, बड़ई का काम किया, बहुत अच्छे बड़ई थे वो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3.5 साल का उनका सेवा काल रहा। 3.5 साल के बाद उन्होंने अपना बलिदान दिया जिसको हम गुड फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं। और 3.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना परमेश्वर का कलाम उन्होंने फैलाया। वहीं सेंटा क्लॉज का स्वरूप धारण करने वाले बालक से जानकारी की गई तो उसने इस पर्व के महत्व से अवगत कराया। 25 दिसंबर। आप क्या बने हो? सेंटा क्लॉज। क्या कर रहे हो सेंटा क्लॉज बनके? गिफ्ट दे रहे हैं।